Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So this video I'm shooting in Jeddah, the place I was born in, the place that gave me existence, the place that is closest to my heart. So Makkah se aage the Jeddah aur mujhe 2-3 din time nahi mila vlog, maine kuch bhi nahi kiya. So aaj mujhe time mila hai to maine socha ki main vlog karti hu. I'm going to show you guys an amazing thing. Okay guys, ye dekhen, ये जो है ना, ये इनकी खिड़की से बिल्कुल बाहर अम्मा हवा का जो है वो मकबरा नज़र आता है। मैं अपनी दोस्त के घर रह रही हूँ तो ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सारा मकबरा है। तो जो है वो आज मैंने सोचा कि आज मैं ऐसी चीज़ ब्लॉग करूँगी जो बहुत ही स्पेशल होगी, आई एम श्योर मोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं आज बलद जाऊँगी और मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी दैट आई कवर एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू मी, जहाँ पे मैं रहती थी, जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, जहाँ पे शॉप होती थी हमारी, आई यूज़ टू डू थिंग्स, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ पे बिल्डिंग थी, जहाँ से मैं शॉपिंग करती थी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा गुजरा है। तो मैं वो सब कुछ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, कवर करूँगी। ओके गाइस, मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ। एक्चुअली जो आंटी हैं लारेब की मम्मा, उन्होंने मुझे आज एक मज़े की चीज़ बनाना सिखाई है, कोफ्ते। तो वो इट्स लुक्स डिलीशियस, अब मैं इसमें चमचा मारूंगी। द प्रोफेशनल, द प्रोफेशनल गाइस, सच में बताऊं कि ये फातिमा ने बनाया है, सच में। यस आई रियली मेड इट। आप लोग मुझे क्या समझते हैं, आई एम अ मल्टीटास्कर। वो और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वाकई मैंने बनाया, मुंह में तो ना गुजा इसने बनाया। कौन से पूछ वो आप बेशक इसको? आप बेशक आंटी से पूछ सकते हैं कि किसने बनाया। आंटी बताएं आके। जी आंटी, मेरी बेटी फातिमा ने बनाया, मेरी प्यारी परी ने बनाया। बिल्कुल, ये इधर और ये, ओह माय गॉड, गुड, थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं अब आपको लारेब का रूम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका रूम है अभी फ़िलहाल। इसका हालत जो है ना, वो मैंने ख़राब की हुई है, वहाँ पे उसकी सारी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे इसने, इसकी बर्थडे हुई थी आई थिंक, तो इसने हैप्पी बर्थडे लगाया था, अब इसने सिर्फ हैप्पी छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत खुश रहती है। ये इसके जो है, ये इसका टेडी बियर है जो मुझे लगता है मेरे साइज़ से भी बड़ा है, और ये उसके बच्चे हैं। शी इज़ सो जेनरस के ये वहाँ पर रखती थी, और जब मैं आई तो मैं वहाँ सोती हूँ, लारेब यहाँ सोती है, और इसने अपने टेडी बियर यहाँ रख दिए हैं। कितनी अच्छी है यार ये, हाँ तो कुछ तो हक बनता है ना बेस्ट फ्रेंड्स का, गंदा करने में कुछ तो हक बनता है ना, बनता कि नहीं बनता। फातिमा अब ये डालेगी और मुझे टेस्ट करवाएगी। आप उसकी बातें मैंने नहीं बनाई है, सच नहीं बोलते। बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे लोग गालियां देंगे, तुझे तो कुछ आता नहीं है। नहीं, किड्स फ्रेंडली चैनल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड़गुड़ हो रहा है, मुझे खिलानी है गुड़गुड़ हो रहा है। हाँ तो ठीक है ना, एक ने वाले खिलाऊंगी पूरी रोटी। ओके गाइस, तो ये अब सालन है हमारा, और ये है हमारी फातिमा। इधर देखिए ना, अपनी बहुत प्यारी लग रही है। कोफ्ता कौन डालेगा? तेरी मम्मा ने बनाया, अच्छा तो लगेगा। क्रिटिसिज्म चाहिए? हाँ बिल्कुल। नमक ज्यादा है आंटी, नमक ज्यादा है। गाइस बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड, रियली गुड। चलो बाय को, अब हम लोग खाना एंजॉय करेंगे, बाय। ये जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना, तो ये इसका गेट मैं आपको दिखाती हूँ। जो ऑरेंज वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, हम यहाँ रहते हैं, ये इसका घर है। कि हम कहाँ जा रहे हैं, गाइस यहाँ पे ना प्याले होते थे और इन्होंने सारा तोड़ फोड़ दिया। ये देख किसकी बिल्डिंग है। ओके गाइस, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बचपन है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ऐसा सुना जाता था कि इस बिल्डिंग में जो है वो भूत रहते हैं। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग हमारी है। हमारा जो घर होता था वो हमारा 5th फ्लोर पे होता था ऑलमोस्ट। हाँ यहाँ पे मेरा रूम भी होता था। अभी इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, थोड़ी बिल्डिंग अच्छी कर दिया बाहर से,
चले आए, मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ आगे की चीज़ें। गाइज वो जो जगह है ना, यहाँ पे मेरी स्कूल की बस आती थी, तो मैं यहाँ से उतर के वहाँ जाती थी बस के लिए, समझो वो हमारा एक स्टॉप होता था, इस फिर सामने ही घर होता था। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ये हमारी बिल्डिंग की एंट्रेंस है। मुझे तो डेजा वो हो रहा है। ये मेरी लिफ्ट, वाओ, ये एक लिफ्ट है, ये सीढ़ियाँ और ये दूसरी लिफ्ट है। ये थोड़ी थक्कड़ थी। आओ जी, लेट्स गो इनसाइड गाइस। हाय, ओह माय गॉड। अब ये बता बताऊँ कौन से बताऊँ? फाइव फ्लोर। याद है? मुझे याद है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ? 10 साल रहे हैं हम इस घर में। जी नहीं, 12 साल। अब वही एक ही बात है। ओह माय गॉड, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो पिछले जन्म में वापस आ गई। ये वाला जो फ्लैट होता ना, ये हमारा होता था। हैं? कहाँ? 7th फ्लोर पे। वो थक्कड़ थक्कड़ लिफ्ट। मैं आपको पहले बता रही हूँ, घर की हालत बहुत खस्ता है। हम जब रहते थे तब ऐसी नहीं थी। यहाँ बैचलर्स रहते हैं इसलिए। इस फ्लैट में मम्मा की दोस्त थी, तो हम सारे बाहर निकल के खड़े हुए जब हम एंटर हो रहे हैं घर में। ओह माय गॉड। ओके गाइस, ये जो था ना, ये किचन था हमारा। ये कैबिनेट वही है बिल्कुल। और ये वाला जो रूम होता था, ये हमारा ड्राइंग रूम होता था। इस हाँ, वो री सीनरी हमारी हमने ली थी और ये हमने तब से लगाई थी। इधर हालत काफी खस्ता हुई है। हमारी डाइनिंग टेबल पड़ी है। हाँ, डाइनिंग टेबल। इस पे मेरे सर मुझे मैथ्स पढ़ाते होते थे। तौबा। ओके, अब मैं आपको दूसरा कमरा दिखाती हूँ, जहाँ पे मामा बाबा का कमरा होता था। जो डस्टबिन, ओए ये डस्टबिन भाई है। बाबा का बेडरूम की हालत है। वाओ, ओके, वाओ, ये घड़ी भी वही है, ये भी वही है, सब कुछ सेम खड़ा हुआ है। ये अलमारी वही है, ये वही है, ये ट्रॉली वही है। ओके, ये इस रूम में मामा बाबा रहते थे। पर्दे की मम्मा ने खुद सिए थे और ये सारे सेम लगाए हैं। हाँ, सारा कुछ खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट तो नहीं, ना बेड है ना अलमारी है। ड्रेसिंग टेबल में ये, हाँ, ये टूटा, बस खोल नहीं रहे क्योंकि खोलने की टाइप करनी है। नहीं, हम क्या खोलेंगे? नहीं, खुलेगी कहाँ से? ओके, ये सारे लड़कों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ओके, अब हम दूसरे कमरे में जाते हैं, जो मेरा रूम हुआ। ओके गाइस, ये वाला जो कमरा था ये मेरा था। ये सीनरी भी वही है। ये ओह वाओ, यहाँ से मैं देखती थी बस पे आ रही है जा रही। ये चल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मोबाइल में खड़ा करती थी और यहाँ से सनलाइट आती थी और मैं टिकटॉक बनाती होती थी। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे बस आती थी, यहाँ से मम्मा मुझे देखती रहती थी और फिर मैं बस में बैठ के चली जाती थी। वाओ, यहाँ से मैं 2-2 मिनट बाद में प्लेन्स देखती थी जा रहे होते थे। अभी आज नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा। इसको बंद करते हैं। ओह गॉड गाइस, जो घर था वो तो अब कमरे ख़त्म हो गए, तो अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। ये एक वॉशरूम है, ये एक और जो है, हम बाहर आ गए। लेट्स गो। ऑनेस्टली मुझे तो पुराना वाला वक्त याद आ गया। इवन तो मुझे कभी पाकिस्तान में याद नहीं आया, मुझे खुद को नॉस्टैल्जिया हो रहा था। आई लिव हियर, लेकिन एग्जैक्टली और मैं जैसे ही लिफ्ट में आई हूँ और हम लोग घर गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने जन्म में वापस चली गई हूँ। नॉस्टैल्जिया। व्यू देखती हूँ बिल्डिंग का। गुड बाय। अब जो है हम लोग
दुकान की तरफ जा रहे हैं, जो बाबा की शॉप हुआ करती थी। ये जो बिल्डिंग में पैदा हुई थी, तो पैदा होके मैं इस बिल्डिंग में 7 साल रही हूँ। तो मतलब मैं बड़ी इस बिल्डिंग में ही हूँ, उसके बाद शिफ्ट टू अनदर वन, देन वी केम बैक टू दैट बिल्डिंग। हम लोग तकरीबन सारी जिंदगी बलद रह गए। जो बिल्डिंग मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है, ये उसकी एंट्रेंस है, और यहाँ पे एक अंकल बैठे होते थे, उन्होंने मेरा सबसे पहले कान सिया था, और वो बेचारे अब फोत हो गए। ये जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, इसका नाम है क्वींस बिल्डिंग, इमारा मलका जिसको कहते हैं अरबी में। तो इसकी एक एंट्रेंस यहाँ से है और दूसरी एंट्रेंस एक और जगह से, वो वाली एंट्रेंस एक्चुअली ज़्यादा बेटर है। तो एक बाबा की दुकान इधर से आती थी अंदर एंटर होके, और एक यहाँ पे गली में जब हम एंटर होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक वहाँ पे होती थी। गाइस ये वाली जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं ना, ये मस्जिद है, तो ये इस एरिया की जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका नाम है मस्जिद आकाश। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। हम अपनी मेन जो हमारी मार्केट हुआ करती थी, हम उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। बाबा की इस वाली जो गली में ना दो शॉप्स हुआ करती थी, तो पहले मैं बड़ी वाली शॉप दिखाऊंगी जो उनकी बड़ी वाली शॉप हुआ करती थी। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई और है, तो यहाँ ये वाली जो शॉप हुआ करती थी ये बाबा की बड़ी वाली शॉप होती थी। ये वाली जो शॉप है ना, ये बाबा की मेन शॉप हुआ करती थी, जूद अल फुज़ियात। अंदर से थोड़ा बहुत दिखा रही कि गाइस, तो ये है अंकल की शॉप। ओके, ये और ये है ब्यूटी ब्यूटीफुल पेंडेंट्स, और आपको शीशे में मैं तो नजर आ ही रही हूँ। और ये है फातिमा, है रिंग्स। वाओ गाइस, ये जो है ना, ये मताम कैफेटेरिया अल फलाह है। यहाँ पे जो है ना, एक मज़े की चिकन सैंडविच और तामिया मिल रहा है, तो आई यूज़ टू लव दैट। और बाबा जब भी आते थे ना, तो बेसिकली ब्रेक्स होती थी इशा के बाद, मगरिब के बाद, तो बाबा घर आते थे। घर क्योंकि बहुत ही करीब है, तो बाबा यहाँ से घर होता था, और यहाँ पे ये कैफेटेरिया, और ये फातिमा है जो अब ये बंद हो गया अल फलाह, वो दूसरी साइड पे। यस, ओके। किस किस चीज़ की दुकान है आप? बिल्कुल, ये घड़ियों की दुकान है। ओके, और वो अंकल आ रहे हैं। बस इधर वाले जो हैं वो मेरे अब्बू हैं, यानी मेरे ताया हैं, यानी मेरे अब्बू हैं, और इधर वाले बाबा हैं। गाइस अब जो है ना, मैं आपको अपने भाई से मिलवाती हूँ। हेलो अदनान भैया, कैसे हैं? व्लॉग में, दस्ती व्लॉग में। और अदनान भैया कैसे चल रहा है? सब फिट चल रहा है? फ्रॉम वन ब्रोस्की टू अनदर ब्रोस्की। ओके, बाय 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 गाइस। ये जो है, ये क्वीन बिल्डिंग का फ्रंट है। ओके, अब जो है क्वीन बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे मैकडोनल्ड्स में रोज़ लेके खाती थी, और वो टूट गया, और वो टूट गया, लेकिन उससे जितना मेरा वेट गेन उससे हुआ था। ओह माय गॉड, स्कूल से आके तो ना एक अंकल होते थे यहाँ पे, तो उनको मैं कहती थी अंकल मुझे ग्रैंड चिकन स्पाइसी तो ला दे, तब वो बेचारे दुकान छोड़ के जाते थे और ग्रैंड चिकन स्पाइसी लेके आते थे। बाबा के पास बेसिकली वो काम करते थे। गाइस मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें हैं ना, तकरीबन जितनी ब्रांडेड चीज़ें हैं वो मैंने यहीं से ली हैं, क्वीन बिल्डिंग से। यहाँ पे बहुत ही कमाल ब्रांडेड चीज़ें पड़ी होती हैं। यहाँ भी आपको हर ब्रांड मिलेगा, गुच्ची, एलवी, एमके, सब मिलेगा। ठीक है गाइस, ये जो है यहाँ से ऊपर जाने की जगह होती थी, ये बेसिकली सिटिंग एरिया है सारा। गाइस आप यकीन करें, यहाँ पे इतना टाइम गुजरा है हमारा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हम लोग तकरीबन जब भी हमें बाहर निकलना होता था, क्योंकि यहाँ पे ना इवेंट्स आते हैं ना कुछ बोलियत होती है, तो हम लोग रोज ही तकरीबन निकल जाते थे। माफी माफी फैंसी मॉल से ले आई हैव शुक्रिया। गेट दीस पर्सेस, वाओ। अब हम लोग जा रहे हैं महमल की साइड पे। महमल एक बेसिकली एक मिनी मॉल कह सकते हैं उसको। चलो 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 चलो, काफ़ी गर्मी है जद्दा में भी।
मैकडोनल्ड इधर तो होता था लेकिन अब खत्म हो गया। जब तक मैकडोनल्ड इधर होता था तब तक बड़ा बड़ा शूसा है। ये वाली जो जगह है ना ये है सिटी सेंटर। तो सब लोग मुझे जब मैं पाकिस्तान में थी तो सब लोग मुझसे पूछते थे कि मेरी शर्ट्स वगैरह और सारी कहाँ से हैं, कहाँ से मैं लेती हूँ। तो अब मैं जब उनको बता दी थी कि मैं जद्दा से लेती हूँ तो वो अच्छा छोड़ो। तो जितनी भी मेरी शर्ट्स या वेस्टर्न चीज़ें होती थी वो ज़्यादातर मैं इसी शॉप से लेती थी। तो अभी भी मेरा प्लान है, एक आध मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। अभी चलते हैं, अभी मैं आपको और जगह दिखाती हूँ। तो ये जो जगह है ना ये वाली वो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठ के बाबा का वेट किया करते थे, मम्मा और मैं। जब हम लोग बोर हो जाते थे ना घर में तो फिर हम लोग निकल आते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेंचेस इन्होंने रखी हुई हैं, कभी वहाँ बैठ जाते थे कभी उधर कभी उधर। तो बाबा का वेट करते थे, बाबा जैसे ही दुकान बंद करते थे बाबा इधर आ जाते थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर बाहर चले जाते थे यहाँ से। तो बेसिकली ये वाली जो पॉइंट है ना ये हमारा यूनियन होता था। बाबा यहाँ पे आते थे फिर हम लोग यहाँ से कभी जूस पी लेते थे। ये जूस वाली शॉप है। और जब मैकडोनल्ड होता था तो यहाँ पे हम मैकडोनल्ड की आइसक्रीम सारी। ये वाली जगह ये महमल है और इसके साथ ये गजाज है। गजाज बेसिकली परफ्यूम्स के लिए बहुत फेमस है, यहाँ से हमने परफ्यूम्स बहुत अच्छे कवर्स 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 लेकिन प्राइसेस भी इसकी गुड्डी होंगी। थैंक यू थैंक यू। عندي على خل المحطية الألوان نام على دور السرافي قلبها يهد صبرها بين سجاتها وتعان على طواليك المحامي سحبها ويتل قلبها بالمعانيقة شريان يتل اليمين انتلها في قلبها في ساعة انقفت فيها كل لبهانها ما حس فيها كون من هو حسبها شواك المعنى في قيلات الأوزان. I think he's dapping guys. Welcome welcome. Okay thank you thank you thank you. Oh these covers look good. Yes. Okay, what is this? What is this? Oh, nice. Is this for free? Can I take it? No speak. No speak. Okay. Yes. Golden. हाँ गोल्डन था। ये रोज गोल्ड भी, रोज गोल्ड पिंक है। ला ना मालूम बस माना कल्लम अना मालूम शोया शोया माफी कतीर यला اقول يا سكر من حلاك الشهد يفضل ايوه وانا سنوس تروح لي منك تلعثمتي ايه ضحكتك نرجسك وردة مع فلة أيوة. وصمتك سكون الفجر اللي نمتي آه. انتي فواكه زمان العاشق وظله جود جود ये टिकटॉक कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? उसका नाम ज़ियाद अल-ज़हरानी। ज़ियाद अल-ज़हरानी। मैं टिकटॉक पे चेक आउट करूंगी इसको। ओके गाइस ये जो है ये महमल है। मिनी मॉल। मैं इसके अंदर जाकर आपको दिखाती हूं। ऐश ऐश कर ले। ओके ओके जो वो बोल रहा था वो कह रहा था कि मेरी पिक्चर अच्छी आ रही है कि नहीं। अगर अच्छी नहीं आ रही तो मत लो प्लीज। ओके गाइस लुक एट दिस सच अ ब्यूटी सच अ ब्यूटी। ऑनेस्टली गाइस मैं मुझे पता है जो भी देख रहे हैं ना उनको भी बड़ा दिल कर रहा है उनका यहाँ आने का। वाह इट फील्स सो गुड टू बी बैक वेयर आई बिलोंग आई गेस। ये यहाँ पे हमारे दिन गुजरे हैं बैठ के। ये मॉल जो है इस ये जद्दा का तकरीबन छोटा सा मॉल है ठीक है। दिस इज़ नॉट ह्यूज एट ऑल लेकिन पाकिस्तान में अगर यही मॉल होता तो लोग वो लोग कहते हैं भाई ये कितना बड़ा मॉल है। इवन दो हमें कभी भी नहीं लगा ये बड़ा मॉल। गाइस आई रियली होप कि महमल की सबकी यादें ताज़ा हो गई होंगी देख के। दिस इज़ एक्चुअली ए ब्यूटिफुल मॉल जो कि बहुत ही करीब था हमारे घर से। हम जब भी दिल करते थे हम यहाँ जाते थे। और इधर ब्रांड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस भी होती हैं। वी आर हेडिंग बैक फ्रॉम द मॉल। सिर्फ एक यही जगह है बलद की जगह जो लगता है कि चेंज नहीं हुआ कुछ भी 3 सालों में। बाकी तो जो कुछ इलाके थे वो बिल्कुल ही
खत्म हो गए, वैनिश्ड। इसका स्ट्रॉ लोगों ने स्लशेस लिए, मैंने और फातिमा ने। ये आंटी ने अपना रख दिया है शॉर्ट में आने के लिए। बस कर यार, बस कर, आवाम रोने लग जाएगी सब देख के। ये मेरा, ये देखिए गाइस, ये है मलाबार गोल्डन डायमंड्स। ये मैंने आप लोगों को दुबई में बताया था, ये बलद में बहुत ज़्यादा होता है। आई होप यू रिमेंबर। प्लीज़ मेरे मुंह को इग्नोर करें क्योंकि इसके इसके बाद ऐसा हो जाता है। जिस जगह पे हम हैं तो जो बलद है, बलद का मतलब होता है शहर, तो जो बलद है वो जद्दा का दिल माना जाता है। इट्स रियली फेमस इन जद्दा, और ये जद्दा का दिल माना जाता है, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज दैट। जो बताने की खास ज़रूरत तो नहीं है गाइज, आई एम रियली सॉरी, मेरा जो मुँह है ना सारा ख़राब हो गया, मुझे ये नहीं पीना चाहिए था अभी। गाइज मैं आप लोगों को एक शॉक देने वाली हूँ। इस जगह पे होती थी कलबल बलद, ज्वेलरी की शॉप होती थी, वो अब इन्होंने ख़त्म कर दिया। हेलो टू न्यूज़ जद्दा आ गया। ये जो सारे नेल्स वगैरह मैं लेती होती थी, मैं यहाँ से लेती थी, लुक एट दैट, इस तरह नेल्स, ओह माय गॉड। अब मेरे अपने नेल्स बड़े हो गए तो मुझे अब जरूरत नहीं पड़ती। ये जो मम्मा ने चूड़ियाँ पहनी हुई है ना गोल्ड की हैं, तो ये इस दुकान से ली हुई हैं। हम कुछ ज्वेलरी देखने आए हैं, इंडियन स्टाइल है ना। चेक करें आप, आई विश ये जो चीजें हैं ना ये सारी पाकिस्तान में होती तो कितना मजा आता। ये बामक्का में हम लोग, और ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं ये मस्जिद अल मोमर है। ये तो सिर्फ पे एक मस्जिद है, हाँ, जहाँ पे आई थिंक सल्लम आते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, नाइस यार। ओके गाइस, अब जो जिसमें हम एंटर हो रहे हैं वो बेसिकली ओल्ड बलद है। एज यू कैन सी, ये इसके सारे जो आर्किटेक्चर है वो सारा ही। सो गाइस बेसिकली ये जो जगह बनाई हुई है ये लेडीज़ के लिए बनाई हुई है, दिस इज़ द ओल्ड बलद। यहाँ पे बेसिकली हिस्टोरिक प्लेसेस काफ़ी सारी हैं, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी पुराना है, और ये इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है फॉर द टूरिस्ट एंड एवरीथिंग, ताकि वो आए विज़िट करें ऑल दैट। कि गाइस ये वाली जगह ना यहाँ पे म्यूजियम होता था जो अब इन्होंने बंद कर दिया है। जी आंटी, यहाँ बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग थी। अच्छा, और जब उन्होंने तोड़ा, हाँ, तो देखा नीचे से मस्जिद निकल आई। मस्जिद निकल आई, ओह पूरी मस्जिद बंद थी नीचे, फिर उन्होंने बंद कर दिया रास्ता पूरा। अच्छा, और अभी सब लोग ये यहाँ पे क्या बिल्डिंग थी ऊपर, वो ऐसे जैसे ये, हाँ हाँ वैसे थी। अच्छा, जब तोड़ा तो नीचे ये मस्जिद थी, पूरी मस्जिद। हो गया, हम लोग बहुत थक भी गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हमें, और ये हमारी अम्मियाँ थकती नहीं है, पता नहीं क्या है इनको। हम लोग तो जा रहे हैं घर ना, हम लोग टैक्सी, ये क्या चीज़ है ये अंदर मक्खी, ओह माय गॉड, मेरा तेज एक नहीं सोना सारा नहीं सोना नजर आ रहा है कि नहीं, मेरी डर मरी भी मक्खी रखी है इसमें। काट हो गया, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स our home।
तीसरी चौथी बार शूट कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा हट क्योंकि हम बहुत थक गए हैं और गर्मी थी बहुत। मुझे अपने डायलॉग भी भूल गए। गर्मी थी बहुत और बलद ने हमें बहुत शदीद थका दिया। ऐसा सबक पढ़ रही हूँ मैं। हाँ सबक ही पढ़ रहे। अच्छा है तो अब हम पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं। और तूने क्या कहा था? और मैंने ये कहा था कि पूरा लास्ट पिज़्ज़ा खाएंगे। फातिमा ने जो है ना शपथ ली हुई है शपथ कि वो पूरा लार्ज पिज़्ज़ा खाएगी। मैंने कहा था पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं इतने अर से बात मिलेगा हम दोनों एक पूरा लार्ज पिज़्ज़ा खाएंगे और इनको अम्माओं को अब्बाओं को ना अलग दे देंगे ये खा लेंगे एक एक पीस इनका चल जाएगा। हमारा नहीं चलेगा। तो गाइस हम लोग पिज़्ज़ा हट पहुँच गए फाइनली। ये इनका आइकॉनिक सैलेड होता है। ए दो चिकन सुप्रीम हो गए। काफी दिनों से ये लोग हमें ट्रीट दे रहे हैं आज हम इनको ट्रीट दे रहे हैं। हम वेटिंग में बैठे हमने ऑर्डर दे दिया। आ तो लिया करो और ये मेरा फेवरेट है। ये बाबा का फेवरेट ये मम्मा का फेवरेट। ये जो है अब ये मम्मा जो है सब कुछ भरी जा रही है अंदर। ये पूरा टावर बनाएंगी हमेशा की तरह। मम्मा वो डालो ना वो बाद में है उसमें कोई वो थोड़ी है कोई पुरानी चीजें कर करके ना ऐसा लग रहा है हम लोग कभी पास में गए नहीं। हाँ वही मैंने देखा है बेटे वही था बिल्कुल वही बंदा लेकिन थोड़ा बूढ़ा हो गया। बाबा कह रहे हैं। हाँ ये बात अलग से उसमें से ना इतनी सारी चाहिए थी मुझे एक प्लेट भर के आ गया। ये मैंने कहा था ना पूरा टावर बनाएंगी टावर बना रही है। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ याद ताज़ा हो गई होंगी। सो मैं आउटरो करना फिर से भूल गई थी सो आई थॉट दैट आई शुड वॉइस ओवर इट। सो या दिस वॉज इट एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।